दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी सारी सहेलियों, क्या आप भी माँ नहीं बन पा रही हैं? शादी हो गई है आपकी और बड़े ख्वाहिश आपकी हो रही है कि जल्दी से एक प्यारे से संतान को आप जन्म दें। पुत्र हो या पुत्री, जल्दी से आप माँ बने, लेकिन नहीं हो पा रहा ये। अगर आप भी गर्भ धारण करने में समस्याओं को झेल रही हैं, नहीं हो पा रहा है, आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर शादी को टाइम नहीं भी हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप माँ नहीं बन सकती, आपको समस्याएं हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आप बहुत जूझ रही हैं, या आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक चमत्कार साबित कर सकता है। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। जितने बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितने छोटे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत खुश रहिए। दोस्तों, हर लड़की का सपना होता है जल्दी से उसकी शादी हो जाए। अगर सही उम्र हो गई है शादी की, तो अपने घर वालों के अलावा मोहल्ले वालों को, समाज बिरादरी को भी समस्या होने लगती है, शादी क्यों नहीं हो रही। आज शादी हुई और कल से ये उम्मीद है कि कब आप माँ बने, ससुराल में पहला कदम रखें और बहू पोते पोतियों का मुँह कब दिखा रही हो। पिता को ख्वाहिश हो जाती है कब मैं पिता बनूं, औरत को ख्वाहिश हो जाती है कब मैं माँ बनूं, और माँ बनने से ही एक औरत कहते हैं ज़िंदगी के तीसरे चरण को पार करती है। लेकिन बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या हो जाती है कि वो माँ नहीं बन पा रही है, गर्भ धारण करने में समस्या हो रही है उसे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगी, मैं इलाज की बात नहीं करूँगी, मैं क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं ज्योतिष की बात करूँगी। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि समस्याएँ हैं तो उसका समाधान भी है। ज्योतिष में कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया की जिसका समाधान उसके पास नहीं है। बस थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए और आज जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको श्रद्धा भाव से कीजिए। जितनी जल्दी आप ये उपाय करेंगी, जितने विश्वास के साथ करेंगी, उतने जल्दी ये फल देगा और बिल्कुल आप माँ बन पाएंगी, आप गर्भ धारण कर पाएंगी। जो भी अड़चने, बाधाएँ, समस्याएँ, ग्रह नक्षत्र जो भी कर रहा हो वो सब हट जाएगा, बिल्कुल आपको संतान प्राप्ति होगी। आज के एपिसोड में मैं आपको तीन तरह के उपाय बताऊंगी, तीन अलग अलग उपाय बताऊंगी। आप उसमें से कोई भी करें या तीनों कर लें, समय रहते कोई भी उपाय आपको लग सकता है और सारे अचूक हैं। मेरे बताए इस तीन उपाय में एक उपाय से मेरे पहचान में ही अभी तक कई औरतें माँ बन चुकी हैं। मुझे उन्होंने कहा है कि आपके उपाय को हमारे जीवन में बदलाव आया, तो मैंने सोचा चलो इस पर आज वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये अद्भुत चमत्कारिक उपाय हैं, भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। एक रुपया का खर्च नहीं, किसी ढोंगी बाबा को आपको जाल में फंसना नहीं है, बहुत सारे पैसे नहीं देने, कोई अनुष्ठान नहीं करवाना, कोई यज्ञ नहीं करवाना। एक छोटा सा उपाय, बिना खर्च का उपाय, श्रद्धा भाव से कीजिए। कोई कष्ट नहीं है, कोई व्रत करने के लिए नहीं बोलूँगी, कोई तप करने के लिए नहीं बोलूँगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए और बिल्कुल आप माँ बन पाएंगी, आप गर्भ धारण कर पाएंगी। इस वीडियो में बने रहिए। नए व्यूवर्स जितने आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ अद्भुत चमत्कारिक उपाय। चलिए मैं उपाय नंबर एक, पहला उपाय बताती हूँ दोस्तों। नींबू का जो बहुत पुराना पेड़ होता है, कम से कम 10 वर्ष पुराना पेड़ आपको चयन कर लेना है, ढूंढ लेना है कि कोई नींबू का 10 वर्ष से अधिक पुराना पेड़ हो। अगर 20 वर्ष पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 10 वर्ष की उम्र उसकी पक्की हो जाती है, इसीलिए नींबू के एक पुराने पेड़ को आपको लेना है, उसकी जड़ को थोड़ा सा काट लेना है। नींबू के पेड़ के जड़ को काट कर उसको पीस लीजिए, थोड़ा सा जड़ ही पीस लीजिए। और ये कोई दिन तिथि पर डिपेंड नहीं करता है कि यह चमत्कार आपको गुरुवार को करना है या मंगल को करना, बिल्कुल नहीं। काम एलिमेंट्स को पकड़ कर चलेंगे तो बिल्कुल तीर निशाने पर लगेगी। नींबू के पेड़ के जड़ को थोड़ा सा काट लीजिए, पीस लीजिए, उसको दूध में मिला दीजिए और उसमें थोड़ा सा घी मिला दीजिए। आपने मिला दिया। महिलाएं जब भी पीरियड होती हैं, उसके बाद जब वो बाल धो लेती हैं, ख़त्म हो जाता है उनका ये टाइम, उसके बाद लगातार 7 दिनों तक आपको ये दूध पीना है, ये दूध का सेवन करना, उसमें थोड़ा सा वो पुराने नींबू के पेड़ का जड़ घिस कर मिला देना है, थोड़ा सा घी मिला देना है। और जिस दिन आप बाल धोती हैं उस दिन से आप 7 दिनों तक लगातार इसे आप पिए, बस बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय कमाल का है, चमत्कारिक है। आप जब ये उपाय कर रहे हो तो आप जगदम्बा माँ को, दुर्गा माँ को जपें। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। वैसे भी आप जब ये 7 दिन आप ये उपाय कर रही हो तो 7 दिन आप पूजा रूम में बैठकर भी 108 माला का
इस मंत्र का जप कर सकती हैं। प्रणाम करके दुर्गा माँ को उड़हुल का फूल चढ़ाकर ये प्रणाम करें और फिर ये दूध का सेवन करें। आप 7 दिनों तक ये करके देखें, निश्चित ही गर्भधारण में आपको जो भी बाधाएं आ रही होगी, समस्याएं आ रही होंगी, बिल्कुल हट जाएंगे और आप गर्भधारण कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दूसरा नंबर का उपाय बताती हूँ। पूर्वा फागुन नक्षत्र होता है। पूर्वा फागुन नक्षत्र में आपको बरगद के पेड़ की जड़ लानी है थोड़ी सी। मैं फिर से बताती हूँ, पूर्वा फागुन नक्षत्र में बरगद के पेड़ की जड़ को लाकर अगर स्त्री लाल धागे से उसे बांध दे और अपने बाएं बाजू में धारण कर ले। पूर्वा फागुन नक्षत्र में बरगद के पेड़ की जड़ को लाकर लाल धागे से लपेटकर बिल्कुल बॉक्स बना लीजिए और उसको स्त्री बाएं अपने बाजू में धारण करती है और 3 महीने तक ये धारण करना है। और कोशिश कीजिए, उसको प्रोटेक्शन दीजिएगा कि 3 महीने तक वो आपके हाथ से उतर ना जाए। इस 3 महीने में ईश्वर ने चाहा बिल्कुल आपकी गोद भरेगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बिल्कुल आप माँ बन पाएंगी। और ये तो अचूक उपाय है। इस अचूक उपाय को कई लोगों ने किया है और मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ। साक्ष्य मैंने देखा है कि इस उपाय को 100% सफलता मिली है। तो आप भी करें, कोई खर्च नहीं बता रही हूँ, कोई ऐसा जंजाल नहीं बता रही जो आप कर ना पाए, आपको जंगल जाना पड़े, आपको खतरा कुछ लेना पड़े। कोई ऐसा उपाय है, बहुत छोटा सरल उपाय है, आप कर लीजिए। आपको ये उपाय लग गया तो फिर आपके भाग्य बदल जाएंगे, आप माँ बन पाएंगे, समाज से सारी बातें खत्म हो जाएगी आपके लिए। चलिए तीसरा उपाय आपको बताती हूँ। जो गाय नई नई माँ बनती है और पहली बार बछड़े को जन्म देती है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो गाय नई माँ बनती है और पहली बार बछड़े को जन्म देती है, उसके दूध में घी मिलाकर जैसे ही बछड़े को उसने जन्म दे दिया, उसके बाद उसका दूध जब पीने योग्य हो जाता है तो उसमें आप घी मिलाकर गाय के सामने, जब बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो तो आप उसके सामने बैठिए ताकि गाय की दृष्टि आप पर पड़े, आप गाय को बछड़े को देख सकें। आप उस दूध का सेवन करें, वही पीरियड खत्म होने के बाद, बाल धोने के बाद 7 दिनों तक लगातार, बिल्कुल बछड़े और गाय जब संपर्क में हो, बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा हो, तो आप सामने बैठकर थोड़ा सा घी मिलाकर उस दूध का सेवन करें। ये भी अद्भुत उपाय है, चमत्कारिक उपाय है, आप इसे भी कीजिए। और ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय आपको बहुत भयंकर नहीं मिलेंगे जिसे करने में आपको कष्ट हो, आप नहीं कर पाए या बहुत हजारों लाखों रुपए का खर्च हो। बहुत ढोंगी बाबा होते हैं और माँ बनाने के रूप में, माँ बनाने के नाम पर न जाने कितने उपाय करवा देते हैं, कितने हजारों का सामान मंगवा देते हैं पूजा पाठ की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्री के माँ बनने में जो रुकावट आता है, बाधाएं आती है, अगर मेडिकल की बात मैं ना करूं, कोई बीमारी की बात ना करूं, तो सारे ग्रह और नक्षत्र करवाते हैं। ये जितने उपाय मैं बताई हूँ सारे काम करेंगे उसी ग्रह नक्षत्र पर और बिल्कुल सारी बाधाएं हट जाएंगी, आप माँ बन पाएंगी, आप गर्भ धारण कर पाएंगी। तो ज़रूर करेंगे उपाय और मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिए। और बहुत बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, रखिए अपनों का ख्याल। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।